Dear students, welcome to our YouTube channel. Today we will learn about class 7 history chapter 3 the Delhi Sultanate. Today we will know who established the Delhi Sultanate and what is the time period of Delhi Sultanate and which dynasty has ruled in our Delhi. So Delhi Sultanate, history of India the Delhi Sultanate. ये जो दिल्ली सल्तनत था आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये पूरे काबुल आज जो पाकिस्तान है, ये काबुल का एरिया कहाँ पे है, ये काबुल का एरिया आज पाकिस्तान में है, गजना इन सभी एरिया को पूरा कवर करता था और ये हमारा राजस्थान वाला हिस्सा पूरे ईस्ट से लेके वेस्ट तक और नॉर्थ से लेके साउथ तक इतना उसका एरिया था. इसके बाद द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत वेयर द मामलुक्स. अब क्या हुआ, जो हमारा दिल्ली सल्तनत था उसमें सबसे पहले ममलुक्स लोग रूल करते थे. इन 1206 मोहम्मद गौरी डाय. अब क्या हुआ, आप लोग सोचते होंगे कि ममलुक्स लोग थे कौन, ये ममलुक्स ऐसे थे, ये एक ममलुक्स की पेंटिंग बनी हुई है. इसके बाद मोहम्मद गौरी, जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, ही अटैक इन अवर कंट्री. एंड इन 1206 मोहम्मद गौरी ने, जो मोहम्मद गौरी था वो 1206 में उसकी डेथ हो जाती है. इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया. अब हम पढ़ेंगे कि इंडियन हिस्ट्री में जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है, दिस इज द इमेज ऑफ मोहम्मद गौरी एंड आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी हिज स्लेव, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज स्लेव, हिज स्लेव नेम इज कुतुबुद्दीन ऐबक. द कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द सुल्तान ऑफ दिल्ली. It means after the death of Muhammad Ghori, Qutubuddin Aibak declared himself Sultan of Delhi and established slave dynasty. Who is the founder of slave dynasty? Founder of slave dynasty is Qutubuddin Aibak. So the period between 1206 AD and 1526 AD in Indian history is known as Delhi Sultanate. So आप लोगों को याद रखना है कि 1206 से लेके 1526 तक का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है. इसमें बहुत सारे रूलर्स यहाँ पे रूल करेंगे, बहुत सारी डायनेस्टियाँ आएंगी और जाएंगी. इसके बाद अब जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ जो दिल्ली सल्तनत है उसमें सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आई और स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था. और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका स्लेव था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का स्लेव था. So during this period of over 300 years, 5 dynasty, 32 kings ruled over Delhi. मतलब ये बोला जा रहा है कि जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड है कितने साल का पीरियड है, अप्रॉक्स 300 ईयर का. ये अप्रॉक्सीमेटली 300 ईयर का टाइम पीरियड है और इसी टाइम पीरियड में टोटल 5 डायनेस्टी ने रूल किया और अप्रॉक्सीमेट 32 किंग्स ने हमारे इस डायनेस्टी के अंडर में रूल किया था. इसके बाद द स्लेव डायनेस्टी. अब हम पढ़े ब्रीफली पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन भी लेते हैं. इसके बाद क्या है, जो स्लेव डायनेस्टी है, कुतुबुद्दीन ऐबक लेड द फाउंडेशन फॉर द स्लेव डायनेस्टी. अब क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसी ने स्लेव डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था, वही स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था. इसके बाद He ruled for 4 years and the construction of Qutub Minar was started by Qutubuddin. अब क्या हुआ, आप लोगों ने एक मॉन्यूमेंट के बारे में बहुत सुना होगा जिसका नाम कुतुब मीनार है, तो आपके मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि आखिर ये जो कुतुब मीनार है इसको बनाया किसने. तो याद रखना, जो कुतुब मीनार है इसको बनाने का काम किसने स्टार्ट किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक. इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे ही इस मॉन्यूमेंट का नाम कुतुब मीनार है. तो याद रखना, उसी ने इसका कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करवाया था. लेकिन जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के बाद कुछ साल बाद ही जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक है इनकी डेथ हो जाती है. और कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद उनका बेटा इल्तुतमिश, जब उनका जो बेटा इल्तुतमिश है उसने कुतुब मीनार के जो कंस्ट्रक्शन था उसका जो फॉर्मेशन था उसको पूरा कराया. सो ये बोला जा रहा है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक बट वाज कंप्लीटेड बाय हिज सन इल्तुतमिश. तो इसका मतलब यही हुआ कि जो कुतुब मीनार है उसको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया था कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने और उसको कंप्लीट कराने का काम किसने किया था, इल्तुतमिश ने. एन एबल एंड पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर इल्तुतमिश एस्टैब्लिश्ड अ वास्ट किंगडम बाय इल्तुतमिश
अब क्या हुआ, जो हमारा इल्तुतमिश था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और बहुत ज्यादा कैपेबल पर्सन था। उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, और इसी वजह से उसने अपना बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। किसकी हेल्प से बनाया? उसने बनाया इल्तुतमिश अपने बेटों की वजह से। क्या हुआ, अपने बेटों की वजह से वो अपना बोल सकते हैं कि किंगडम नहीं बनाया था, उसने अपना जो किंगडम बनाया था वो अपनी बहन अपनी बेटी रजिया सुल्तान की मदद से बनाया था। क्या हुआ था कि जो उसके बेटे थे इल्तुतमिश के, जो बेटे थे वो उतने कैपेबल नहीं थे, उतने ज्यादा सेंसिबल नहीं थे जो राजकाज को संभाल सके, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सके। इसी वजह से जो इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी उसको राजगद्दी पे बिठाया जाएगा। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि इल्तुतमिश सन वेयर नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द किंगडम। जो इल्तुतमिश के जो सन थे, जो इल्तुतमिश के जो बेटे थे वो अपना राजकाज, ये जो स्लेव डायनेस्टी है इसको संभालने में कैपेबल नहीं थे। इसीलिए जो ही हैड अनाउंस दैट आफ्टर हिज डेथ इल्तुत आफ्टर हिज डेथ हिज डॉटर रजिया सुल्तान वुड बी द रूलर। अब क्या हुआ, जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे इल्तुतमिश को पता चलता है कि उसके जो बेटे हैं वो बेटे कैपेबल नहीं है, तो उसने किसको अपना राजगद्दी दिया? रजिया सुल्तान को दिया। और उसके बाद रजिया रूल्ड फ्रॉम 1236 टू 1248 बीइंग अ वाइज एंड कैपेबल रूलर सी ब्रॉट मेनी रिफॉर्म्स इन द स्टेट। अभी क्या होता है, जो रजिया सुल्तान थी उसने ये अनाउंस कर दिया था, जो इल्तुतमिश था उसने अनाउंस कर दिया था कि हमारा जो इंडिया, हमारा जो डायनेस्टी है, हमारा जो दिल्ली सल्तनत है, इस दिल्ली सल्तनत पे मेरी डेथ के बाद मेरी बेटी रजिया सुल्तान रूल करेगी। तो उसके डेथ होने के बाद जब रजिया सुल्तान है उसने 1236 से रूल करना स्टार्ट किया और 1240 तक स्टार्ट किया, अपना खत्म किया। इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद एज अ फीमेल लीडर उसको बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े, बहुत सारी डिफिकल्टी इसको फेस करनी। अब क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी? बीइंग अ वाइज एंड कैपेबल रूलर सी ब्रॉट मेनी रिफॉर्म्स इन द स्टेट। अब वो जो रजिया सुल्तान थी वो बहुत ज्यादा वाइज थी, बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी और बहुत ज्यादा कैपेबल पर्सन थी, और इसीलिए उसने अपने स्टेट में बहुत सारे रिफॉर्म किए, बहुत सारे सुधार किए, बहुत सारे सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद बीइंग अ वुमेन सी हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टी। जैसे मैंने बोला कि रजिया सुल्तान कौन थी, रजिया सुल्तान एक फीमेल लीडर थी और फीमेल लीडर की होने की वजह से ही उसको बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने पड़े। तो यही बोला जा रहा है कि बीइंग अ वुमन सी हैड टू फेस मेनी डिफिकल्टी। आफ्टर दैट द ऑफिसर्स अंडर हर रिसेंटेड टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम हर। अब क्या होता था, बहुत सारे ऑफिसर जो मेल थे, मेल पर्सन थे, और इसीलिए उनको प्रॉब्लम हो रही थी। हमारी जो फीमेल किंग थी, फीमेल किंग रजिया सुल्तान थी, वो अपने अंडर में बहुत सारे ऑफिसर्स से काम करा रही थी और वो उनको बहुत सारे ऑर्डर्स देती थी। ड्रेस एज अ मैन सी लेड हर आर्मी इन द बैटल फील्ड। इवन वो अपने आप को एज अ मेल की तरह ड्रेस्ड करती थी, अपने जो कपड़े पहनती थी वो एज अ मेल पहनती थी, और साथ में वो बैटल फील्ड में जब भी कोई वॉर होता था तो वो मेल के कपड़े पहन के लड़ने जाती थी, वॉर करती थी। अब दिस क्रिएटेड डिसप्लीजर इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। अब जैसा आपको पता है कि हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारा जो इंडियन ट्रेडिशंस है, हमारा जो इंडियन सोसाइटी है, वो इंडियन सोसाइटी कैसी है, मेल डोमिनेटेड है। वहाँ पे जो मेल है उसको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिलते हैं और जो फीमेल है उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो एज अ फीमेल लीडर वो जब वॉर करने जाती थी और लड़कों जैसे कपड़े पहनती थी तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़े, बहुत ज़्यादा उनकी उनके जो बोल सकते हैं उनके अगेंस्ट जो लोग थे वो रिवोल्ट की प्लानिंग करने लगे। सो सम ऑफ हर नोबल्स प्लॉटेड अगेंस्ट हर एंड शी वॉज किल्ड इन 1248। यही बोला जा रहा है कि वहाँ के जो नोबल्स थे, मतलब नोबल्स मतलब वहाँ पे जो लोग जिनके बोल सकते हैं कि नोबल पर्सन, ऐसे पर्सन होते हैं जो किसी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा उनके पास पावर होती है। तो वहाँ के जो नोबल पर्सन थे उन नोबल पर्सन को ये जो फीमेल रजिया सुल्तान थी इसका रूल करना पसंद नहीं आया। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की और उनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया और साथ में 1240 AD में रजिया सुल्तान को मर्डर कर दिया गया। उसकी डेथ 1240 में ही हो गई थी। इसके बाद दिस क्रिएटेड अटल कंफ्यूजन एंड चॉइस। अब क्या है, जैसे रजिया सुल्तान की डेथ हो जाती है तो वहाँ का बोल सकते हैं कि जो स्लेव डायने
डायनेस्टी था, उस स्लेव डायनेस्टी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बिखर जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। इसके बाद इन 1248 आफ्टर 8 ईयर्स ऑफ द डेथ ऑफ रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान की डेथ के 8 साल बाद नासिरुद्दीन द यंगेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश वाज क्राउन्ड एज अ किंग। जो यासिरुद्दीन अल्तुतमिश का जो बेटा नासिरुद्दीन था वह 1248 में राजगद्दी संभालेगा। अ डिवोट मुस्लिम एंड अ पीस एंड अ पीस अ डिवोट मुस्लिम एंड अ पीस लविंग मैन ही वाज अ पहले रजा किंग। अब क्या था, जैसा कि इल्तुतमिश ने पहले ही चेक कर लिया था कि जो जितने भी उनके बेटे हैं उन सभी बेटों से ज्यादा कैपेबल रजिया सुल्तान, तो उसका बेटा जो नासिरुद्दीन था वो राजा तो बन गया था और वो बहुत अच्छा मुस्लिम था और बहुत पीस लवर था, उसे शांति बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन वो एज अ किंग फेल हो गया, एज अ किंग वो सक्सेसफुल नहीं रहा। एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरीड ऑन बाय हिज जनरल बलबन। अब क्या हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, अब मैंने बताया कि जो हमारा नासिरुद्दीन था वो राजकाज को अच्छे तरीके से नहीं संभाल पा रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे तरीके से वो मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो उसका जो जनरल बलबन था, उसका एक जनरल था जिसका नाम बलबन था, उसी बलबन ने पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल कर रखा। बलबन वाज अ स्ट्रॉन्ग विल पावरफुल पर्सनालिटी एंड अ मेंबर ऑफ चालीसा एंड और द 40 अ ग्रुप ऑफ तुर्किश नोबल्स। अब क्या होता था, जो बलबन है वो बलबन कैसा पर्सन था, बलबन एक विलफुल पर्सन था, बहुत ज्यादा पावरफुल था और एक बार जो अपने माइंड में जो ठान लेता था, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला पर्सन था, एक बार जो उसने अपने माइंड में सोच लिया वो इस चीज को करके ही मानता था, और उसकी जो पर्सनालिटी थी बहुत ज्यादा अच्छी थी, बहुत स्ट्रांग और पावरफुल थी। और वो किसका मेंबर था, उस टाइम पे एक ग्रुप बनाया जाता था, 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता था जिसे हम चालीसा और द 40 ग्रुप के नाम से जानते थे, ये बहुत ज्यादा पावरफुल और समझदार लोगों का ग्रुप होता था। तो जो बलबन था वो भी चालीसा और द 40 ग्रुप का एक मेंबर था और उसमें सारे तुर्किश नोबल थे, और सारे के सारे जो तुर्किश नोबल थे उनको क्या किया जाता था, उनको सेलेक्ट किया जाता था, ट्रेन किया जाता था इल्तुतमिश के द्वारा। तो इल्तुतमिश के द्वारा क्या किया जाता था, जो 40 ग्रुप था, द 40 ग्रुप था, चालीसा ग्रुप था, उस ग्रुप को ट्रेनिंग दी जाती थी और उसमें जो भी मेंबर होते थे उस मेंबर को चुनता कौन था, बलबन चुनता था, और किस लिए चुनता था, फॉर हिज सेल्फ डिफेंस, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी हमारा जो कंट्री है उसके आत्मरक्षा के लिए उसने क्या किया था, उसको चुना था और ट्रेन किया था। आफ्टर द डेथ ऑफ नासिरुद्दीन इन एडी 1266 बलबन बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। अब उसने क्या किया था, उसने अपनी रक्षा के लिए एक ग्रुप बनाया था, 40 था, 40 ग्रुप। अब क्या होता है, जब नासिरुद्दीन की डेथ 1266 में हो जाती है, जो नासिरुद्दीन था, जो किंग था, उसकी डेथ कब हो गई, 1266 में। अब जब डेथ हो जाती है तो जो बलबन था वो दिल्ली का सुल्तान बन जाता है, और दिल्ली का सुल्तान बनकर आई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन ही रिकमेंडेड सिंपल लिविंग। अब क्या था, वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मानने वाला था, बहुत ज्यादा अनुशासन को फॉलो करता था और उसने सिंपल लिविंग सेंस रखा, बहुत साधारण जीवन बिताना चाहता था। बलबन डाइड इन 1287, जो बलबन था वो 1287 में उसकी डेथ हो जाती थी। हिज ग्रैंडसन वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, उनका जो ग्रैंडसन, ग्रैंडसन मतलब उनका जो पोता था, वो स्लेव डायनेस्टी का आखिरी रूलर था, लास्ट रूलर था। ही वाज मर्डर्ड इन 1290 एंड द थ्रोन वेंट टू खिलजी डायनेस्टी। अब जो बलबन का जो ग्रैंडसन था उसका 1290 में ही मर्डर कर दिया गया और जो थ्रोन था, जो किंगडम था, वो किसके हाथ में चली गई, एक नई डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी में चली गई। तो ये जो इमेज है ये बलबन की है। इसके बाद हम खिलजी डायनेस्टी में आ जाएंगे। अब आ गया खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी कब से रूल करना स्टार्ट कर रहा है, खिलजी डायनेस्टी जो है 1290 से रूल करना स्टार्ट करेगा और 1320 तक अपना रूलिंग पीरियड कायम रख पाएगा। इसके बाद दूसरी डायनेस्टी आ जाएगी। अब हम खिलजी किंग्स द मोस्ट एम्बिशियस वाज अलाउद्दीन खिलजी, ही हैड बिगर ड्रीम्स देन बलबन। अब क्या था, जो खिलजी डायनेस्टी नई नई एस्टैब्लिश हुई थी, इसमें सबसे ज्यादा एम्बिशियस पर्सन किसे माना जाता था, सबसे एम्बिशियस किंग था हमारा अलाउद्दीन खिलजी। आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सुना होगा, जाना होगा, क्यों, अलाउद्दीन खिलजी था बहुत अच्छा रूलर था, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानता था, बहुत कैपेबल पर्सन था। इसके बाद क्या हुआ,
वो उसका जो ड्रीम था, जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसका ड्रीम कैसा था? उसका ड्रीम बलबन से भी बड़ा था। बलबन से कैसे बड़ा था? उसका ड्रीम जो था वो अलेक्जेंडर जैसे था। अलेक्जेंडर का क्या ड्रीम था? अलेक्जेंडर का ये ड्रीम था कि वो दुनिया में जितने भी स्टेट हैं उन सभी स्टेट को वो कॉम्पेयर करे, उन सभी स्टेट को वो जीत ले, सारे किंग्स को, सारे किंगडम्स को डिफीट करके पूरे के पूरे वर्ल्ड में वो अपनी डायनेस्टी एस्टेब्लिश करना चाहता था। वह चाहता था कि पूरे के पूरे जो वर्ल्ड है उसमें मैं रूल करूँ। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, वो अलाउद्दीन खिलजी की भी थॉट किसके जैसी थी? अलेक्जेंडर जैसी थी। ही वॉन्टेड टू कॉन्कर द वर्ल्ड, मैं वो पूरी की पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अब क्या हुआ? जो इंडियन हिस्ट्री है, उस इंडियन हिस्ट्री में अब कौन आ गया है? अब इंडियन हिस्ट्री में खिलजी डायनेस्टी आ गया। सो ही असेंडेड द थ्रोन बाय किलिंग हिज अंकल एंड फादर इन लॉ। जो कैसे आया थ्रोन पे, जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसे राजगद्दी कैसे मिली? उसने क्या किया, अपने अंकल को और अपने फादर इन लॉ, उनके जो ससुर थे, मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी का जो ससुर था, उनके जो अंकल थे, उसको क्या कर दिया? उसने मर्डर कर दिया। और मर्डर करके उसने क्या किया, अपना राजकाज ले लिया और वहाँ का दिल्ली का सुल्तान बन गया। अपार्ट फ्रॉम गुजरात एंड मालवा ही कैप्चर्ड द फेमस रणथंभौर एंड चित्तौड़। उसने अपने इंडिया के गुजरात और मालवा क्षेत्रों के अलावा जो रणथंभौर और चित्तौड़ के किले थे, वहाँ हमारे जो इंडियन हिस्ट्री है, उस इंडियन हिस्ट्री में रणथंभौर का जो फोर्ट और चित्तौड़ का जो फोर्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और इन्हीं फोर्ट को किसने जीता था? अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था। ही इवन सेंट अ लार्ज आर्मी टू द साउथ अंडर द कमांड ऑफ मलिक काफूर। अभी क्या हुआ, जो मलिक काफूर था उसका सेनापति था, तो उसने क्या किया, जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने साउथ की तरफ अपनी बहुत बड़ी आर्मी भेजी। और किसको भेज दिया? मलिक काफूर को भेज दिया। मलिक काफूर लूटेड एंड कलेक्टेड वेरी ह्यूज हॉल्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम डिफरेंट किंगडम। अब जब मलिक काफूर साउथ की तरफ जाता है तो वो साउथ से बहुत सारे गोल्ड को लूट के लाता है, कलेक्ट करके लाता है और अलग अलग राज्यों को लूट जाता है। इसके बाद क्या होता है, ही अटैक इवन मदुरई, उसने मदुरई में भी अटैक किया। जैसे मैंने बताया कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी, वो किसको भेज रहा है? मलिक काफूर को। मलिक काफूर क्या कर रहा है, हर एरिया में जाके लूटपाट मचा रहा है और जितने भी किंगडम है उन सभी किंगडम से खूब सारा धन को लेके आ रहा है। और उसने मदुरई में भी अटैक कर दिया था। इसके बाद दस फॉर अ ब्रीफ पीरियड अलाउद्दीन खिलजी डोमेन वाज एज लार्ज एज दैट ऑफ किंग ही अटैक एज दैट ऑफ किंग अशोका। अब क्या है, धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी ने इतने सारे एरिया को कॉम्पेयर कर लिया था कि अब उसका जो एरिया था वो अशोक के जैसे था। जो पहले पुराने समय में जो सम्राट अशोक का जो एरिया था, सम्राट अशोक जितने बड़े एरिया में रूल करते थे उतना बड़े एरिया में ही अब अलाउद्दीन खिलजी रूल करने लगा था। बीइंग एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर ही ब्रॉट अबाउट मैनी रिफॉर्म। अब क्या था, जैसे मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकता था, वो बहुत कैपेबल था एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने में। तो एडमिनिस्ट्रेटर अब क्या था, वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, इसलिए उसने अपने सोसाइटी में, अपने स्टेट में बहुत सारे रिफॉर्म कराए, बहुत सारे सुधार करवाए, बहुत ज्यादा अपने सोसाइटी का डेवलपमेंट कराए। इसके बाद ही केप एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलीजन सेपरेट। अब उसने क्या किया, बहुत सारे लोग ऐसे होते, बहुत सारे डायनेस्टी ऐसे देखी गई है जिसमें जो राजा है कोई भी नियम कानून बनाता था तो उसमें चर्च का कंट्रोल होता था या फिर किसी का ही कि मस्जिद का कंट्रोल होता था। लेकिन और कुछ लोग जैसे हमारे हिंदू किंग थे, हिंदू किंग भी बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने पुजारियों की मदद से और अपने मंदिर में जो बोला जाता था उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को मैनेज करता था। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था वो एकदम डिफरेंट था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है और रिलीजन से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं उन सभी को सेपरेट करके रखा और कभी रिलीजन के बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई वर्क नहीं किया। और मतलब सीधी सी बात है, वो रिलीजन से इन्फ्लुएंस होकर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं करता था। ही इंट्रोड्यूस प्राइस कंट्रोल एंड मार्केट कंट्रोल। और इसीलिए इसी वजह से उसने हमारे जो बोल सकते हैं कि हमारा जो स्टेट है, हमारा जो दिल्ली सल्तनत का जो भी एम्पायर में जो भी एरिया आते हैं उन सभी एरिया में उसने क्या किया, प्राइस कंट्रोल और मार्केट कंट्रोल को इंट्रोड्यूस किया कि किस तरीके से पैसों में कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से कितने लिमिटेड अमाउंट मार्केट में कितना पैसा जाएगा और कितना पैसा आएगा, इन सभी में कंट्रोल करना किसने स्टार्ट कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद क्या हुआ, ब्राइबरी वाज पनिशेबल। अब क्या हुआ, कोई अगर चोरी वोरी करेगा तो उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। इस
सोल्जर्स रिसीव्ड मनी एज अ सेंट। अब जो सोल्जर्स थे उसकी आर्मी में जितने भी सोल्जर्स वर्क करते थे उनको बहुत सारा पैसा दिया जाता था एज अ सैलरी। जैसे आज भी हम लोग कोई भी जॉब करते हैं तो हमें सैलरी मिलती है, वैसे जो अलाउद्दीन खिलजी था वो अपने आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनको बड़े अमाउंट में सैलरी देता था। इसके बाद क्या होता था, लैंड रिवेन्यू वॉज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ लैंड। अभी क्या होता है लैंड रिवेन्यू क्या होता है, भूमिकर, मतलब हम जिस जमीन में रह रहे हैं अगर हमारे पास जितनी जमीन है उतनी जमीन के हिसाब से हम कर देंगे। अगर किसी के पास ज्यादा जमीन है तो वो ज्यादा टैक्स देगा, किसी के पास कम जमीन है तो वो कम टैक्स देगा। तो वो जो लैंड रिवेन्यू था जो टैक्स कलेक्ट करता था वो टैक्स कलेक्ट करता था किसके बेसिस पे, लैंड के साइज के बेसिस पे, जिसके पास जितना ज्यादा जमीन होगा वो उतना ज्यादा ही कर देगा। इसके बाद अलाउद्दीन वाज अ लवर ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक, ही एनकरेज एंड रिस्पेक्टेड आर्टिस्ट। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो आर्ट और म्यूजिक को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और उसने अपने यहाँ के जो आर्टिस्ट थे उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया और उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज, बहुत ज़्यादा हिम्मत दी और उनको और ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की। इसके बाद क्या हुआ, अमीर खुसरो वाज अ मेंबर इन हिज कोर्ट। अब ये कैसे पता चला कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो बहुत ज़्यादा आर्ट और म्यूजिक का लवर था, वो ऐसे पता चला कि उनका जो दरबार था उसी दरबार में अमीर खुसरो जो थे एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, बहुत ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट है। अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ही काम करते थे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार एंड तबला वेर इन्वेंटेड बाई, अब अमीर खुसरो ने ही, ये जो आजकल हम सितार और तबला इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं ना, तो ये तबला और इंस्ट्रूमेंट की खोज किसने की थी, ये तबला और सितार की खोज किसने की थी अमीर खुसरो ने की थी। आफ्टर हिम देयर वाज एन इमेंस पावर स्ट्रगल इन, अब क्या हुआ कि जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे पावर के लिए, लड़ाई के लिए, राजगद्दी पे हथियाने के लिए, जो राजगद्दी था उस राजगद्दी को हथियाने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, बहुत ज़्यादा उनके बीच में स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था। इसके बाद इन 1320 AD द तुगलक फैमिली टू कंट्रोल ऑफ द सल्तनत। अब क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी जब तक था तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी खिलजी डायनेस्टी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके रखा, लेकिन उसके जाने के बाद बहुत सारे लोग राजगद्दी पाना चाहते थे, अपने आप को किंग बनाना चाहते थे। तो इसके बाद क्या हुआ, इसी वजह से जब 1320 आया, 1320 में जो तुगलक डायनेस्टी थी, जो तुगलक फैमिली थी, उसने सल्तनत पे कैप्चर कर लिया और वहां पे तुगलक फैमिली के आने की वजह से तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद क्या है, द तुगलक डायनेस्टी 1320 to 1319। अब जो तुगलक डायनेस्टी वो कब से कब तक रूल रही है, जो स्टार्टिंग हो रही है 1320 से और एंड कब हो रहा है, एंड हो रहा है 1399 का। इसके बाद क्या हुआ, द तुगलक आल्सो विश टू पॉसेस एन एम्पायर। जो तुगलक था वो भी एक बड़े एम्पायर को बनाया चाहता था, एम्बेसिंग द होल ऑफ इंडिया। वो ये चाहता था कि वो पूरे के पूरे इंडिया में रूल करे, पूरे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में कैप्चर करे और उसको जीते और अपने वहाँ पर रूल करना स्टार्ट करे। गयासुद्दीन तुगलक वाज द फर्स्ट तुगलक की। अब जो तुगलक डायनेस्टी उसका फाउंडर कौन हो गया, उसका फाउंडर हो गया गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने ही वो अपना बोल सकते हैं कि तुगलक डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। ही वाज सक्सीडेड बाई मोहम्मद तुगलक। अब क्या हुआ, जब गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाती है तो उसके बाद मोहम्मद तुगलक यहाँ पे रूल करने लगता है। मोहम्मद तुगलक कब से रूल करना स्टार्ट करेगा, मोहम्मद तुगलक जो है 1325 से रूल करना स्टार्ट करेगा और 1351 तक रूल करेगा। ही वाज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। जो था मोहम्मद तुगलक था वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, लेकिन वो बहुत सारे कामों में फेल हो गया। अब देखेंगे वो किस तरीके से कौन कौन से कामों में फेल हो गया। बट हिज प्लान टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू डेली। उसने क्या किया था, उसने अपने कैपिटल को शिफ्ट करने की प्लानिंग की, वो दिल्ली से देवगिरी अपना कैपिटल ले जाना चाहता था। विच ही रिनेम दौलताबाद फिर। अब क्या हुआ, उसने देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया था और दौलताबाद को ही अपना कैपिटल बनाना चाहता था। अब ये जो प्लानिंग थी मोहम्मद तुगलक की, ये फेल हो गई, ये नाकाम रही, अनसक्सेसफुल रही। इसके बाद हिज अनदर प्लान ऑफ हैविंग कॉपर ब्रास कॉइंस आल्सो। अब उसने क्या किया, उसने मार्केट में कॉपर और ब्रास के कॉइन को चलाना चाहता था। अब ये वाली प्लानिंग भी जो मोहम्मद तुगलक की थी, ये भी एक दिन फेल हो जाती है। इसके बाद इब्न बतूता एन अरब ट्रेवलर विजिटेड द सल्तनत एंड हैज रिटन एक्सटेंसिवली अबाउट द किंगडम। अब क्या हुआ, एक अरब से एक ट्रेवलर आता है, एक यात्री आता है,
वो हमारे इंडिया में विजिट करने के लिए आते हैं, और उसने क्या किया, हमारे इंडिया में जो किंगडम था, तुगलक डायनेस्टी जो चला रही थी, जो भी दिल्ली सल्तनत का कामकाज था, उन सभी के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन किसने दिया, अरब ट्रेवलर इबन बतूता ने दिया। अब ये जो इमेज है, ये इमेज इबन बतूता की है। इबन बतूता बहुत सारे एरिया पे रूल करता था, जैसे बंगाल के एरिया में रूल कर रहा था, वारंगल, गुजरात, सिंध, अवध, मुल्तान, दौलताबाद, इतने सारे एरिया किसके अंदर में थे, इतने सारे एरिया मोहम्मद तुगलक के अंदर में थे। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक, अब क्या होता है कि मोहम्मद तुगलक जब चला जाता है तो मोहम्मद तुगलक के जाने के बाद फिरोज शाह तुगलक वहां पे रूल करना स्टार्ट करेगा। फिरोज शाह तुगलक सक्सीडेड मोहम्मद तुगलक, ही बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ही स्पेंट लेस ऑन वॉर and armies and more on buildings, hospital, educational institution, bridges, canals, etc. अब क्या होता है, जब ये जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक ने किसके बाद आया था, याद रखना, फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद तुगलक के बाद हमारे यहाँ रूल करने आया था। इसके बाद क्या होता है कि जो फिरोज शाह तुगलक है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत ज्यादा लोग उसको पसंद करते थे। क्यों पसंद करते थे वो लोग इसको इसलिए पसंद करते थे क्योंकि ये वॉर पे कम ध्यान देता था, लड़ाई झगड़ों में और अपना और ज्यादा एम्पायर को एक्सपेंड करने में, स्प्रेड करने में वो कम ध्यान देता था। वो सारा का सारा ध्यान देता था बिल्डिंग्स बनाने में। कौन सी बिल्डिंग बनाने में? हॉस्पिटल वाली बिल्डिंग बनाने में, एजुकेशन, जो एजुकेशनल के लिए, मतलब सीधी सी बात है, वो अपने लोगों के बीच में एजुकेशन बढ़ा रहा था, अपनी सोसाइटी में एजुकेशन को और ज्यादा स्प्रेड कर रहा था, और हॉस्पिटल बनाकर लोगों को बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा था, ब्रिजेस बना रहा था, कैनाल बना रहा था, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब लोगों की भलाई के लिए। अपने वो जितने भी एम्पायर में रूल कर रहा था उन सभी में जितने लोग रह रहे थे उनकी भलाई के लिए वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा था, बिल्डिंग्स बनवा रहा था, हॉस्पिटल बनवा रहा था और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनवा रहा था। ड्यूरिंग हिज टाइम मैनी संस्कृत वर्ड्स वेयर ट्रांसलेटेड टू अरेबिक। जब फिरोज शाह तुगलक ने हमारे यहाँ रूल किया तो बहुत सारे जो संस्कृत के बुक थे, संस्कृत में लिखी हुई जो पुस्तकें थी, उन पुस्तकों को अरब भाषा में ट्रांसलेट किया गया, मतलब जो संस्कृत लैंग्वेज की जो भी बुक्स थी उनको अरबी लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट किया। इसके बाद क्या हुआ, तीमूर और मंगोल इन्वेडेड इंडिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक मंगोल तीमूर हमारे इंडिया पे आक्रमण करता है। He had heard about the wealth of India. अब ये जो तीमूर था उसने क्या किया था, इंडिया में के अंदर जो वेल्थ था, इंडिया के अंदर जो दौलत तौलत थी उनके बारे में बहुत सुना हुआ था, इसलिए उसने हमारे इंडिया पे अटैक कर दिया। He marched to Delhi and defeated the Tughlaq rulers. अब क्या होता है कि जो तीमूर था वो दिल्ली पे आक्रमण करता है और जो तुगलक रूलर था, तुगलक जो राजा था, उस तुगलक राजा को वो हरा देता है। तीमूर्स डेप्यूटी खिजर खान सेटल्ड इन दिल्ली एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली। अब क्या हुआ, जो तीमूर का एक ऑफिसर था, उस ऑफिसर का नाम खिजर खान था, उस खिजर खान ने दिल्ली पे अपना रूल करना स्टार्ट कर दिया और अपने आप को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। ही फाउंडेड सैयद डायनेस्टी। अब ये जो खिजर खान है, इसी खिजर खान ने सैयद डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया, विच लास्टेड फॉर 37 ईयर। अब ये जो सैयद डायनेस्टी है ये सिर्फ और सिर्फ 37 ईयर तक ही हमारे दिल्ली सल्तनत को चला पाएगी। इसके बाद दिस डायनेस्टी वाज अब्सर्व्ड बाय द लोदीज एंड अफगान। अब क्या होता है कि जो जो सैयद डायनेस्टी है इसको उसको कौन हराता है, इसको लोदी डायनेस्टी लोग हरा देते हैं। ये लोदी लोग कहाँ से आते, ये लोदी लोग अफगान की एक जनजाति थी, अफगान के लोग थे। तो अफगान के लोग जो लोदी थे, इन्होंने क्या किया था, तीमूर का जो सैयद डायनेस्टी चला रहा, तीमूर की ये सैयद डायनेस्टी आई किसकी वजह से थी, ये जो सैयद डायनेस्टी आई थी वो तीमूर की अटैक की वजह से आई थी। तो ये जो सैयद डायनेस्टी इसको खत्म कौन करेगा, इसको लोदी डायनेस्टी खत्म करेगा। तो अब लोदी डायनेस्टी आ जाएगा। लोदी डायनेस्टी कब आया, 1451 में आया और 1526 में इसकी एंड हो जाएगी। सिकंदर लोदी रूल्ड ओवर द रीजन ऑफ गंगा वैली एज फार एज वेस्टर्न बंगाल। अब क्या होता है, जो सिकंदर लोदी है वो गंगा की घाटी से लेकर पूरा जो बंगाल का एरिया था, पश्चिमी बंगाल का जो एरिया था वहां तक वो रूल करता था। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू अ न्यू टाउन व्हिच लेटर केम टू बी नोन एज आगरा। अब उसने क्या किया, उसका जो कैपिटल था उसने अपने कैपिटल को दिल्ली से हटाकर
एक नए प्लेस पे शिफ्ट किया। आज उस नए प्लेस को आगरा के नाम से जाना जाता है। उसी आगरा में ताजमहल बना हुआ है। तो याद रखना कि उसने अपने कैपिटल को कहाँ शिफ्ट किया था, आगरा में शिफ्ट किया था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी वॉज इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ने कब रूल किया था, 1517 से रूल करना स्टार्ट किया था और एंड कब हुआ था, 1526 में उसका एंड हुआ था। और ये जो था इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी किसका बेटा था, सिकंदर लोधी का बेटा था। इसके बाद हाउ एवर हिज इम्पोर्टेंस वॉज नॉट ड्यू टू एनी वेलफेयर मेजर्स बट ड्यू टू हिज एरोगेंस। अब क्या होता है कि जो ये जो राजा था, इस राजा को सबसे ज्यादा उसकी एरोगेंस की वजह से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि जो इब्राहिम लोधी था उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा एरोगेंट था। ही वाज अ टैलेंट, मतलब वो बहुत ज्यादा, उसको लोग सनकी समझते थे कि ये बहुत ज्यादा सनकी है। सो हाउ एवर हिज इम्पोर्टेंस वॉज नॉट ड्यू टू एनी वेलफेयर मेजर्स बट ड्यू टू हिज एरोगेंस। मतलब यही है कि ये जो हमारा इब्राहिम लोधी बहुत ज्यादा एरोगेंट पर्सन था और इसी वजह से हिज नोबल्स एंड द पीपल कॉन्स्पायर्ड विद बाबर एंड द किंग ऑफ काबुल टू ओवरथ्रो एंड सक्सीडेड इन 1526। अब क्या हुआ, इसी वजह से उसके एरोगेंट बिहेवियर की वजह से, उसके टायरेंट बिहेवियर की वजह से ही उनके जो ऑफिसर्स थे, उनके जो उनके स्टेट में रहने वाले जो नोबल्स थे, उन नोबल्स लोगों ने क्या किया, बाबर से कॉन्टेक्ट किया। अब ये बाबर कौन है, बाबर काबुल का राजा था। उस बाबर को बुलाया उन्होंने, बाबर को इनवाइट किया कि आप हमारे इंडिया में आओ और हमारे इंडिया में ये जो राजा है इब्राहिम लोधी, इसको हरा। तो बाबर इसीलिए 1526 में आता है। और पानीपत का जो वॉर आपने सुना होगा, पानीपत के वॉर के बारे में, तो ये पानीपत का वॉर किसके बीच में लड़ा गया था, ये पानीपत का वॉर बाबर के बीच में और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें बाबर जीता था। बाबर क्यों जीता था, बाबर बहुत अच्छी तरीके से वो वॉर लड़ता था, मतलब बहुत अच्छी तरीके से बैटल फील्ड में उसकी जो स्किल्स थे बहुत अच्छी थी। और साथ में जो बाबर था उसके पास तोप था। आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में सबसे पहले तोप कौन लेके आया था, तो हमारे इंडिया में सबसे पहले जो तोप लाया था वो बाबर के द्वारा लाया गया था। और इसी बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोधी को ख़त्म किया। और इब्राहिम लोधी को ख़त्म करने के साथ साथ वो हमारा जो दिल्ली सल्तनत में जो लोधी डायनेस्टी थी, उस लोधी डायनेस्टी को ख़त्म करके अब कौन सी डायनेस्टी भेजना बिस्मित करेगा, मुगल डायनेस्टी। तो इस तरीके से जो हमारा दिल्ली सल्तनत है, उस दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है और एक नई डायनेस्टी का स्टार्टिंग होती है। उस नई डायनेस्टी का नाम क्या होगा, मुगल डायनेस्टी। तो इस तरीके से हम आगे भी और वीडियो में पढ़ते जाएंगे, मुगल डायनेस्टी के बारे में भी जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।